भक्तसेन। ओहो, दया भाभी नाराज हो गई। कोई बात नहीं, उनको बाद में मना लूंगा। बुलबुल, बुलबुल, अरे दया रुक, काम भागे जा रही है तू। पोपट भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अरे भाई, उसके घर में लड़की है या नहीं वो पता लगाए भी नहीं तो क्यों निकल आई? पोपट भाई के घर में लड़की है। तुझे कैसे पता? अरे आपने देखा नहीं पोपट भाई का घर कितना साफ सुथरा था? तो अरे उनके आईने पे बिंदी छिपी हुई थी, बिंदी। हाँ, और पोपट भाई के कुर्ते पर लड़की का लंबा बाल लटक रहा था। क्या बात कर रही है दया? हाँ। इसका मतलब पोपट लाल के घर में लड़की है? हाँ है। मैं उन्हें सुंदर बिना जितना ही अपना भाई मानती हूँ, और उन्होंने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। क्यों डम्मू के पापा क्यों? अरे भाई तुम रुक। अरे भाई तू रुक, तू भागम भाग बंद कर। चिड़िया, क्या हुआ? पोपट के घर में लड़की है? हाँ बापू जी, लड़की है। आप सच कह रहे थे, अब जल्दी नीचे आइए। टप्पू के पापा, मैं कितनी हरख पदौड़ी होकर पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढ रही थी, और उन्होंने शादी की बात मुझसे ही छुपाई। क्यों तोड़ा पोपट भाई ने मेरा विश्वास? क्यों तोड़ा? अरे भाई, तेरे टूटे हुए विश्वास की चिंता छोड़ और मेरे टूटने वाले श्वास की चिंता कर। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? तो और क्या बोलूं, मुझे तो पूरा यकीन है पुलिस जिस लड़की को ढूंढ रही है वो लड़की यही है। और जैसे पुलिस को पता चलेगा कि वो लड़की गोकुलधाम सोसाइटी में है, तो गोकुलधाम सोसाइटी के सभी मर्दों को पुलिस तोड़ेगी, तो उसके साथ सबके श्वास भी टूटेंगे ना। सब सुन बोलिए, मैं मेहता साहब को बुलाता हूँ। चिड़िया, हाँ बाबू जी आ गए। और जेठा भाई, दया भाभी, जेठालाल इस वक्त, और वो भी सब परिवार, क्या हो गया भाई? मेहता साहब, पोपट लाल लुच्चा कौवा निकला। कौवा? एक नंबर का जुठाड़ा निकला। क्या कह रहे हो भाई जेठालाल, क्या मतलब क्या तुम्हारा? मतलब जिस लड़के को ढूंढने कल पुलिस यहाँ आई थी वो बुलबुल इस वक्त पोपट लाल के घर में है। क्या? क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा नहीं हो सकता, नहीं अजी भाभी, ऐसा हुआ है। टप्पू के पापा सच कह रहे हैं, बापूजी ने पोपट भाई के घर में लड़की का साया देखा। अच्छा? और अभी मैं और टप्पू के पापा पोपट भाई के घर पे गए ना, तो उनके आईने में बिंदी थी। बिंदी? और पोपट भाई के कुर्ते पर लड़की का लंबा बाल लटक रहा था। Oh my God, ये पोपट भाई ने क्या कर दिया? वो बुलबुल को तो पुलिस ढूंढ रही है। अब क्या करेंगे तारक? मेरे ख्याल से सबसे पहले हम सोसाइटी वालों को बुलाते, उन्हें ये बात बताते, फिर पोपट लाल को बुलाते और फिर पुलिस को बुलाते। पुलिस यहाँ सोसाइटी में आएगी तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान बन जाएगी। तैयार हो जाइए मेहता साहब, घायल होने के लिए तैयार हो जाइए। शुभ शुभ बोलो भाई जेठालाल। शांति रख जेठिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पूरा चुपचाप जाके सबको बुला कर लेकर आ जा। जी दादा। यस सर, यस सर, सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जी हाँ सर, जी हाँ सर, जैसे ही बुलबुल का कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जी सर, राइट सर, जी हाँ सर, जय महाराष्ट्र। अरे यार, ये बुलबुल का बाप कमिश्नर साहब के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और कमिश्नर साहब बार बार मुझे फोन कर रहे हैं, और जब से ये बलदेव सिंह मुंबई आया मेरे ऊपर ये प्रेशर और बढ़ गया है।
पाटिल, हमें इस बुलबुल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। न जाने ये बुलबुल कहाँ गायब हो गई है। सर, खबरी की आज तक कोई भी खबर गलत नहीं निकली, फिर ये खबर कैसे गलत निकली? लेकिन पाटिल, हमने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को चेक किया है। मैं पर्सनली सबके घर गया था ढूंढने। बुलबुल वहाँ कहीं छुपी होती तो हमें जरूर मिल जाती। पाटिल सर, हाँ, हमने क्लब हाउस तो चेक ही नहीं किया। क्लब हाउस, राइट, वेरी गुड पाटिल। जरूर उन लोगों ने उस लड़की को वहीं पर छुपाया होगा। अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी चलो, हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी फिर से चेक करेंगे, और हाँ, क्लब हाउस को भी। चलो चलो। अरे ये बुलबुल का बाप फिर से। जी बलदेव सिंह जी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने बुलबुल को ढूंढ रहे के घर जाके सो गए जी। अरे नहीं नहीं बलदेव सिंह जी, हम आपकी बेटी को ही ढूंढ रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल सुबह का सूरज निकलने से पहले आपकी बेटी बुलबुल जरूर मिल जाएगी। हाँ जल्दी से जल्दी हमारी बेटी को ढूंढिए। जी सर। रखिए फोन। क्या हुआ जेठाला? बताता हूँ, पहले सबको आ जाने दो, वरना सब बारी बारी आएंगे और सबको बारी बारी बताने में सुबह हो जाएगी। सब आ गए। वो नहीं जेठा प्रा, सभी नहीं आए। अभी और कौन बाकी है? वो अपना पप्पू नहीं आया, मैं भी बुलाता हूँ उसे। सॉरी, पोपटलाल को नहीं बुलाना, और ये मत पूछना कि क्यों। ठीक है ठीक है, पर क्यों? पापा, आप कहिए। तो सुनिए, एक मिनट, आपको बताना है, आप बताइए बाबूजी। अरे भाई तू ही बता, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जेठा की बात सुन के कोई चिल्लाना मत। ओके भाई, का काए है सोसाइटी में? कहीं भूत-भूत तो नहीं है ना? ए माधवी, नहीं नहीं भूत-भूत कुछ नहीं होता है। जेठालाल तुम बोलो ना, बात क्या है? हम सबको पता है कल हमारी सोसाइटी में पुलिस आई थी। वो लड़की के बारे में क्या नाम? बुलबुल। हाँ उसको ढूंढने के लिए। बबीता जी, अय्यर भाई बहुत बीच बीच में बोल रहे हैं। एक मिनट अय्यर, जरा शांति से सुनते हैं उनको क्या कहना है। हाँ जाडालाल तुम बोलो। तो वो बुलबुल हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ही है। हाँ, और आप सबको पता है गोकुलधाम सोसाइटी में वो बुलबुल कहाँ है? पोपटलाल के घर पे। अरे भेड़े भाई, आपको कैसे पता? तुझे पहले से पता था भेड़े? तूने बताया नहीं किसी को? नहीं मतलब मेहता साहब ने मेहता साहब ने पोपटलाल को बुलाने से मना किया तो मैंने एक अंदाजा लगाया, शायद लड़की उसके घर पे हो सकती है। मतलब कॉमन सेंस। ओह माय गॉड, मतलब वो लड़की हमारे पोपट भाई के घर में? हाँ वो पिताजी। हाँ अरे देवा, पोपट भौजी के घर कैसे हो सकता है? ओ खुदा, इसका मतलब ये है कि उस लड़की को भगा कर शादी करने वाला लड़का पोपट भाई है। बोलो। और हमें नहीं बताया, कमाले। और हमें खाने की पार्टी भी नहीं दी। ये तो अन्याय है भाई। घोर कलयुग है हाथी भाई, घोर कलयुग। ओ बीड़ू, तू भी खाने के लिए जीता है? है? अरे भाई सोड़ी, पोपटलाल ने हमें शादी के बारे में नहीं बताया, उसके लिए मैंने बोला कि घोर कलयुग है। मर गए बुलबुल। क्या हुआ? मैंने जेठालाल और दया भाभी आए थे और अब पूरी सोसाइटी नीचे जमा है। इसका मतलब पक्का उनको शक हो गया है। अब क्या होगा? और क्या होगा, हमारी शादी का भांडा फूट जाएगा। देखा भाभी जा, मैं बोल रहा था ना। एक्चुअली अय्यर, यू आर राइट। मतलब पोपट भाई के घर से जब वो आवाजें आ रही थी, वो लड़की उस वक्त वहाँ पे थी। और सीटी का आवाज भी आ रहा था। हाँ चाचा जी, बिल्कुल ऐसे ही कुकर की सीढ़ी का आवाज आ रहा था।
और वही लड़की ने कुकर की सीटी बजाई थी। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। पुपटलाल जो वो ड्रेस लेके आया था, वो ऑफिस में अपने काम करने वाली किसी लड़की का गिफ्ट नहीं था, वो बुलबुल के लिए लेके आया था। ओ यार, पप्पू ने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला। कौन सी गेम पापा? हमने तो कोई गेम खेला ही नहीं। गोगी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है बेटा। अभी गेम तो पुलिस हमारे साथ खेलेगी कि हमने सच छुपाया। सही बात है। इसका जवाब हमें पोपटलाल से लेना होगा। बुलाते हैं पोपटलाल को नीचे। हाँ हाँ, हम बहनें पूरा दिन पोपट भाई कहते थकती नहीं है। और भाई है कि बहन से ही बातें छुपाते। पोपटलाल भाई की शादी करवाने के लिए हम लोग ने कितनी कोशिश की। हाँ, और उन्होंने हमसे छुप कर शादी कर ली। कृतज्ञ कुटला। मेरे बहन लागरी ने कोई कीमत तक नहीं, इतना बड़ा विश्वासघात किया। अब पोपटलाल को पुलिस तोड़ेगा। धीरे बोलो भाई। अब पोपटलाल को पुलिस तोड़ेगा। अय्यर, पुलिस तो हमें भी तोड़ेगी ना। उनको तो यही लगेगा कि हमने पोपटलाल का साथ दिया है। सही बात है। कसला संकट है। वैसे भी मेरी कुंडली के तो हर खाने में ग्रहों की जगह पे पुलिस ही है। मेरे ख्याल से हमें खुद पुलिस को बता देना चाहिए कि भाई वो बुलबुल गोकुल धाम में ही। हाँ, बराबर। हमें सब सच सच बता देना चाहिए। हाँ। अरे एक मिनट, पहले उस पोपट को तो बुलाओ। ए डिब्बे! चंपक चाचा मर गया। ए डिब्बे! पोपटलाल! पोपटलाल! अमरलाल! ए पोपट! मारो! क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ? अरे इतने अनजान मत बनो पोपटलाल, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या हुआ और तुमने क्या किया है। बुलबुल को बाहर निकालो। कौन बुलबुल? ए डिब्बे, नाटक मत कर, हमें पता है वो तुम्हारे घर में। पोपट भाई, बुलबुल भाभी को लेकर नीचे आ जाइए। भाभी? काहे के भाभी? लेके आओ पोपटलाल, नीचे लेके आओ उसे। हाँ पोपट भाई। चल चल। अरे नीचे। अरे अरे चल चल, खाली है। पोपटलाल लेके आओ। आप नीचे आइए। पेड़ पांगनू पेड़ का वाला जाते हैं। बुलबुल, हम पकड़े गए हैं। सबको पता चल गया है कि तुम यहाँ हो। अब हमारे पापा को पता चल गया तो? नहीं चलेगा। मैं अपने गोकुलधाम वासियों को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोग थोड़ा गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को कभी नहीं बताएंगे। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चलो, सब नीचे बुला रहे हैं। चलो बुलबुल। बुलबुल, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए पत्रकार पोपटलाल सबकी दुनिया हिला देगा। चलो। पोपटलाल ये वही लड़की है ना जिसको पुलिस ढूंढ रही है? हाँ। पर तुमने इसी लड़की को भगा के शादी की है? हाँ। बुलबुल मेरी पत्नी है।
पोपटलाल ये वही लड़की है ना जिसको पुलिस ढूंढ रही है? हाँ। और तुमने इसी लड़की को भगा के शादी की है? हाँ। आओ ना। बुलबुल मेरी पत्नी है। क्या चीज़? वो बच्ची जी, पोपट बॉय। सदा सुहागन रहो। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है बुलबुल भाभी। भाभी? भाभी? थैंक यू दया भाभी, आपने हमें माफ कर दिया। नहीं 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 पोपट भाई, ये तो हम लोगों का संस्कार है, नई बहू को पहली बार देखे तब उसको आशीर्वाद देते हैं। बाकी हम लोगों ने आपको बिल्कुल माफ नहीं किया है, आपने हमें इतना पराया कर दिया, इतना बड़ा विश्वासघात। दया भाभी, शादी के बाद तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। और बीवी की साड़ी इस्त्री करते हैं। नहीं तो क्या है? ए पोपटिया डिब्बे, तुझे तो मैं। चाचा जी, चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। बापू जी नाटक कर रहे हैं। जेठालाल आशीर्वाद दो। सुखी रहो। जेठालाल इमोशनल ब्लैकमेल है इसका। मेहता साहब आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दे दे आशीर्वाद है। अरे रुक जाओ, बाकी सबसे आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है, वरना सुबह तक सबसे आशीर्वाद लेते रहोगे और हम सबका गुस्सा मन का मन में रह जाएगा। ओके ठीक है, सब लोग मिलके एक साथ इनको आशीर्वाद दे दो। सदा सुखी रहो, सुखी रहो, अब आशीर्वाद खत्म और एक्शन शुरू। पोपट भाई, अब बोलिए आपने ये शादी कब और कहाँ की? कल दोपहर को भोलेनाथ के मंदिर में। मतलब पोपट भाई, आप मैरिज ब्यूरो से भोलेनाथ जी के मंदिर शादी करने के लिए गए थे? नहीं 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 दया भाभी, मैं तो भोलेनाथ से मिलने ही गया था, लेकिन वहाँ पर भोलेनाथ ने मुझे बुलबुल से मिला दिया और दोनों ने शादी कर ली। पोपट भौजी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। हाँ। पोपट अंकल, हम भी। पोपट भाई, आपने हमें शादी में नहीं बुलाया, फाइन। नहीं नहीं वो बात नहीं। पर आप इतना तो समझिए कि बुलबुल के पापा और पुलिस वाले इसे ढूंढ रहे हैं। हाँ। वाह बबीता जी वाह, बराबर है। पोपटलाल भाई, आप मुसीबत में फंस सकते हैं। हम सब मुसीबत में फंस सकते हैं। अरे हम सब फंस सकते नहीं, फंस गए अब तो। पुलिस तो कल खुला बोल के गई कि अगर वो लड़की गोकुलधाम सोसाइटी में से पाई गई तो अच्छा नहीं होगा। और ये तो यही पाई गई है हमारी सोसाइटी में। तो बड़े मास्टर, तुम पुलिस को बुलाओ। नहीं पुलिस को मत बुलाना प्लीज। देखिए इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, वो दरअसल हम तो नहीं, मैं तो मोबाइल निकाला भी नहीं। अरे तो आप लोगों ने पुलिस बुला ली? फंसा दिया हमें, ये बहुत गलत किया आप लोगों ने, बहुत बड़ा पाप किया है। पुलिस भाई को हमने नहीं बुलाया पोपट भाई। तो कैसे आ गई? देखा सर,
बुलबुल। दोस्तों ये हथकड़ी इस वक्त मुझे पोपटलाल का भविष्य नजर आ रही है, और पोपटलाल का क्या, मुझे लगता है कि तमाम गोकुलधाम के मर्दों का भविष्य हथकड़ी हो सकती है। पोपटलाल इस वक्त बिना पंख के पोपट की तरह हो गए, उड़ भी नहीं सकते। कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में शादी खुशियों की शुरुआत होती है और भविष्य भी खुशियों से भरा होता है, लेकिन पोपटलाल की शादी की शुरुआत ही मुसीबतों से हुई और अब महा मुसीबत आ गई है। पुलिस पोपटलाल के साथ हम सबको गुनहगार बनाने वाली है। अब कैसे बचेंगे पुलिस से? और मान लीजिए पुलिस से किसी तरह बचने की कोई गुंजाइश निकल भी गई, तो बुलबुल के बाहुबली पिता बलदेव सिंह से कैसे बचेंगे पोपटलाल? पोपटलाल की हालत बिल्कुल अभी खरगोश की तरह है और हालात यहाँ पे भूखे शेर की तरह है। अब भूखे शेर की तरह परिस्थितियां और सामने खरगोश जैसे पोपटलाल, यानी कि यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ कुछ भी होगा आपके घरों में हंसी बरकरार रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।